उनसे भी कहेंगे कोई भी असला लेके वीडियो ना बनाए क्योंकि दिक्कत होती है। ये कहना चाहूंगी जिसको लगता है कि मैं ऐसी हूँ, मतलब यादव समाज के नाम पर कलंक या कुछ सीन ऐसा लगता है आपको, तो मेरी वीडियो बिल्कुल मत देखिए। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियो ना देखिए मेरी, तो मैं आप लोगों के साथ एकदम फ्रैंक कर रही थी कि 5 साल बाद है या नवंबर में ऐसा कुछ, लेकिन जो भी होगी बहुत जल्दी मैं आपको क्लियर बताऊंगी मेरी शादी कब होने वाली है कितने। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ। कैसे हो आप लोग, उम्मीद करते अच्छे हो। मैं बहुत बढ़िया हूँ। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी। गाइस तो गाइस इतनी गर्मी है ना पूछो, मेकअप के बाद इतनी गर्मी लग रही है। और हम जा रहे हैं बेटावा कहीं हमारे आज अब लाख भाई को सिस्टम खराब हो गया, तुम देख ही जाओ हमारा कान करता होगा। अच्छी बाबा जी सब जान पर रहा देखो ब्लॉग में, ठीक है तो बने रहो ब्लॉग में। इन्हें आज पकड़वाए गए हैं पुलिस और कुछ नहीं, ठीक है जी। मम्मी माँ ब्लॉग बना रही दूसरे वाले, टाटा बाय बाय। कोई आए गेट मत खोलना, ठीक है ओके। चलते बेइज्जती ना होती मोटी सब चलती है, बेइज्जती का ये गांव वाले नहीं जानते हो। समझे आए मुझे नहीं मालूम कि समझे को सकते हैं। मुझे पता मुझे वहां तो कैसे प्यार है तुम हैं, जब वीडियो पूरी देखते ही नन्हे तो मेरे पास से रख दो। किधर फोटो आओ बिने, एक और ले जल्दी जाओ, इधर भी मौत है भैया। आप लोग प्लीज रुक आप लोग उनसे संडे को ही आया करो, कोई आया करे गलत बात है। हम भी कहते हैं कि संडे को ही आया करे, बीच में बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पता क्या सीन आप, चलो हम बाहर जा रहे जगह मिले, अंदर से हम मना कर दे देंगे बाग बाग, पता लोग कह देंगे बहुत बनती है बहुत जाएगा। हाँ हमने उठाओ पब्लिक, बस यही बात कहते हैं। हाँ हमने उठाओ हाल घमंड उतर जाए वो, अरे कहा समझने लगी। मेन चीज ये है कि संडे का एक दिन दे तो रखा है, पूरा दिन फ्री है तुम लोग, एक दिन फ्री है तो फिर बाकी दिन नहीं आना चाहिए ना। पता है क्या सीन है, जैसे कि संडे को भैया आप जो कहे विश्वास माने हो, इतनी बार अब एसी में गर्मी लग रही थी बाहर, इतनी गर्मी पत्ते तो हम बता को, हमें तो ठीक है, हम तो बाहर बाहर बैठे थे पेड़ की छाया में, तुम्हारा तेल निकल जाता संडे को। हाँ सोच तो अब बाद ना संडे को शाम को 5 बजे के बाद फिर और लोग आए, समझ लियो ने कर बने हमें मिले, फिर बाकी बात हम तो क्या लड़का आज लड़की तो इतनी गर्मी इतनी गर्मी इतनी गर्मी सही बता रहे बहुत ज़्यादा। अब पूरे दिन 6-7 दिन मिलते रहेंगे तो क्या कैसे क्या काम चलेगा, इसलिए आप प्लीज़ संडे को आए रुक के रेस्ट है। और फिर हम जो कहें कि आप कैसे फैन हो, तो हमें का मालूम मती कि तुम संडे को मिलती हैं जी और सुन ले जी और सुन ले। गाइस हम लोग आ चुके हैं, पुलिस इधर के सैक्स लगा दिए पहले जाना है अंदर कर गए तो हम लोग गाड़ी में तो मजा आता है, बाकी बात एकदम बेस्ट लगा। किधर आना है, स्कूटी खड़ी है इधर। जो भी काम था हम काम कर चुके हैं और छूट गए हैं। आप लोग से भी कहेंगे कोई भी असला लेके वीडियो ना बनाएं क्योंकि दिक्कत होती है। हाँ अभी ये गाना नहीं चल रहा था, कट्टा तना रहेगा दबा दबा बना रहेगा, हमने भाई कट्टा था वो कट्टा भी तान था, बंदूक थी 5000 रुपया ले आए थे मेला में आते हैं, तो भाई समझ दबा दबा दिखा दो तो आज मैं इटावा में आने पर कौन से नहीं बता रही हूँ। वैसे एक बात बताऊँ, मैं खुद ही बात आ रही, एक बार आयरन वाला मैटर हुआ था मेरे ऊपर, मैं तब तो जानती भी नहीं थी का सीन क्या, नहीं मेरे पूरे घर में पुलिस ही पुलिस पुलिस ही पुलिस बता रहे बहुत मैटर हो गया था बहुत। जैसे जब तक ये सीन रियल नहीं मतलब ये पता नहीं पता है, है तो ये भी जब गांव जाते तो तरीके से जाते कुछ हथियार तस्करी हुए जो मैटर कर रहे होते हैं वही चीज है, लेकिन ये है कि सही सलाम सिस्टम है पूरा। गाइस हम आ चुके हैं होटल ब्राड बोदराबाद आए, आप लोग काटते भेजा की जल्दी आया जल्दी आया, हम बहुत लेट आए आज। आज तो कोई है नहीं क्या होटल पे, हेलो नमस्ते भैया नहीं है, दे भैया कहाँ है, हम से उम्मीद कर रहे प्लेट लाए। हाँ देखो लागू बताओ जो हम खा जाएंगे क्या जो हम लोग खाओ खा लेंगे।
बड़े जो हमारी बहन जी पसंद करेंगे हम वो चीज खाएंगे। ठीक है, देख रहे हो कितना भाई बहन का प्यार है। नजर लग जाएगी पैसा, मतलब नजर लगती तो तू करते मेरे को करते बंद कर ले, कोई मर मरा हो तो मैं गाना बजा रहे। अच्छा उस बस्ती में खवा ही दो सिस्टम खा ही लो। हमारे यहाँ कैसा लगा खाना? अच्छा है, अच्छा है सिस्टम। और मतलब मैं हमेशा यहीं आती हूँ, बहुत अच्छा, मतलब नेचर भी इनका अच्छा है और दूसरी बात जो है कि खाना भी अच्छा खिलाते हैं। सही बात, उन लोगों की यहाँ पे जाते हैं जिन लोगों की नेचर अच्छी होती है। हाँ हाँ भाई, मतलब नहीं रखते। सही बात है, वही चीज़ है। खाओ, आप लोग खा लो, बाद मत कहना कि पूछा नहीं। लेट आए तुम, थोड़े 15 मिनट कही थी। लेकिन तुम अलग बहुत हैंडसम रहे भैया। तो गाइस आज मैंने ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि दिन में थोड़ी हुई थी मैं बिजी। अबला भाई चले गए थे, अबला भाई को भी बहुत ज़रूरी काम था इसलिए चले गए थे, तो दिन में मैं थोड़ी थी बिजी, इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बना पाई। तो आप लोग आराम से पी लो। मम्मी तुमने कहा नहीं पियो, चाय पी रहे हैं। मम्मी मेरी तबीयत सही नहीं है, ख़राब तबीयत। इनका पता नहीं क्या सिस्टम है कि एक बंद करो, एक कनपट्टी अगर सूज जाती है, ये कनपट्टी, एक पैर, एक साइड, मतलब नसों की प्रॉब्लम है मम्मी को, नसों में ज़्यादा दर्द होता है, तो ये सीन है। सो गाइस गर्मी बहुत इतनी गर्मी पड़ रही है, मेरी ऐसी तो काम कर ही नहीं, समझ लो। अभी मैं जब नहाऊंगी, पर जब सोऊंगी तब नहाऊंगी, ये समझ लो। तो गाइस अभी बच्चों के रात के 12 और मैं जा रही हूँ सोने। आज ब्लॉग नहीं बन पाया उसके लिए सॉरी, ना आ पाया ब्लॉग, क्योंकि यार सीन ऐसा हो गया था कि मैं वहाँ से आने के बाद थोड़ा बिजी हो गई थी किसी चीज़ में, इस चक्कर में हम सोने जा रहे हैं। ठीक है जी, तो मिलते हैं आपसे कल सुबह। सो जा कुत्ता, मम्मी सो रही है, पर दत्ती में सो रहा है गाय के मारे, ए सी हवा सीधी लगे, इसको देखो। तो गाइज कल का ब्लॉग अब चालू कर रही हूँ, आज शाम 5 बजे देखना आप लोग, 5:10 पर। कल से मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, मतलब कल शाम को बिजी थी, आज सुबह से बिजी क्या, आज तो संडे है ना, संडे से सुबह इतने लोग आए सुबह से, बहुत ज़्यादा सुबह से ही मिल रही हूँ। 5 बज चुके हैं, तो अभी थोड़ा ठंडा माहौल हुआ है, मैं थोड़ा ब्लॉग बना के डाल दूँ, क्योंकि ये वाला ब्लॉग थोड़ा ऐसे हो गया है, कल बनाया कुछ अब बना, कल थोड़ा बिजी हो गई थी वहाँ से आने के बाद, क्योंकि अब लगभग से थोड़ा काम करवाना था फ़ोन में, वो अच्छा मतलब कर लेते हैं काम, उनको नॉलेज बहुत ज़्यादा है इस वजह से। तो अभी 5:10 हो चुके हैं और आज है मेरा एकादशी का व्रत, आज है संडे, तो संडे को मैं इसलिए नहीं ब्लॉग बनाती, पता क्या सीन है, तो एक लोगों को दिखाऊंगी फिर एक लोगों को भूल जाऊंगी, तो ये चीज़ मतलब बहुत ख़राब हो जाएगी कि एक लोगों को दिखा दो एक लोगों को नहीं दिखाओ, तो ये चीज़ गलत है ना, तो ये सीन है। तो इस वजह से मतलब मैं ब्लॉग सुबह से मैंने बनाया नहीं था और मैं बिजी थी, क्योंकि मैं इतना खुद बिजी हो जाती हूँ जब मतलब कि लोग मिलने आते हैं, बहुत ज़्यादा फिर लगता है जल्दी निपटाओ, जैसे कि वीडियो की आजकल आपको तो पता ही है, कोई आता है तो फोटो तो खींचता, बहुत ही रेयर केस में ऐसे लोग होंगे तो फोटो खींचे चले जाएंगे, सब लोग वीडियो बनाने के लिए आते हैं, तो ये सीन है। और गर्मी तो पता ही आपको कितनी पड़ रही है, ए सी हमारी एकदम फैल गई। तो ये चीज़ें, और एक बात और कि बहुत सी आजकल जो चर्चा चल रही है कि संजना के खिलाफ वो हो गई है, शिकायत दर्ज हो गई है, ये दर्ज हो गई, वो दर्ज हो गई, तो मैं ऐसा कोई सीन नहीं है, कहने के लिए लोग कुछ भी कह सकते हैं, इशू ऐसा है ना, जहाँ संजना का नाम होगा वहाँ तो हर चीज़ वायरल हो जाएगी, जाहिर सी बात है ना, तो वही चीज़ है। तो ऐसा कुछ सीन नहीं है मेरा, मतलब कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब लोग अब संजना के खिलाफ क्या हुआ, संजना के खिलाफ क्या सुबह से तेरी हंसी आ रही, मुझे इतनी हंसी आ रही, इतनी हंसी आ रही सच में, मतलब पूछ ही मत, सुबह से देख देख के कि ये हो गया वो हो गया ऐसा हो गया संजना के खिलाफ, जे जे कोई सीन ऐसा कुछ नहीं है, वो होता है ना लोग फेम के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो वो सीन है और कुछ सीन नहीं है, करो जिसको जो करना है, बाकी ये सीन है। हाँ मैंने ये चीज़ नोटिस की है, बहुत से लोग अब ये ज़्यादा इशू रहता है कि तुम यादव समाज के नाम पे कलंक हो, ये हो वो, ये बहुत सी कमेंट आती है मेरी वीडियो पे भी आती है, और जैसे मेरे लिए कोई वीडियो ख़राब बनाता है, ख़राब करता है मेरी वीडियो, उनकी वीडियो पे भी आती है। तो मैं ये कहना चाहूँगी जिसको लगता है कि मैं ऐसी हूँ, मतलब यादव समाज के नाम पर कलंक या कुछ सीन ऐसा लगता है आपको, तो मेरी वीडियो बिल्कुल मत देखिए, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियो ना देखिए, मेरे लिए बाहर की ऑडियंस मेरे लिए बहुत है और बहुत
से सपोर्ट करती है। अगर मैंने यहाँ तक मेहनत की है तो आगे बहुत आगे जाऊंगी। जिसको ये लगता है कि मैं वीडियो सही नहीं बनाती हूँ, वीडियो ऐसी बनाती वैसी बनाती, तो भैया मेरी वीडियो बिल्कुल मत देखो, बिल्कुल सपोर्ट मत कीजिए। लेकिन जो लोग मुझे प्यार करते हैं, वो सपोर्ट जिन्होंने किया है, वो सपोर्ट ऐसे ही बना रखे हैं। ओके जी, तो अभी 5:10 हो गए हैं, बाकी मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड कर दे रही हूँ, क्योंकि मुझे ब्लॉग अभी एडिट करना है और डालना भी है, है ना, इसलिए क्योंकि मैं तो ये मेरे पास तो कोई मैनेजर वगैरह है नहीं, तो खुद ही सारा मैनेजमेंट करती हूँ, मतलब मैं ही एडिटिंग करती हूँ, मैं ही ब्लॉग बनाती हूँ, सब सिस्टम मेरी रहता है। इसलिए तो ब्लॉग को मैं यहीं एडिट कर रही हूँ। बाकी बस यह है कि ऐसे ही प्यार सपोर्ट पा रखो, आप लोग बहुत सपोर्ट करते हो, बहुत प्यार करते हो, सच में बहुत बहुत ज़्यादा, ठीक है जी। और एक क्वेश्चन और था, शादी वाला सिस्टम, जो लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है कि शादी कब है, शादी कब है, तो वो सीन बहुत जल्दी बता दूँगी, मेरी शादी कब है, बहुत जल्दी सब कुछ, मतलब कि सब कुछ बता दूँगी कि कब कैसा क्या निकला है, या फिर कब हम करना चाहते हैं शादी, और क्या सीन है, क्या सीन नहीं है, ठीक है। अभी तक तो मैं आप लोगों के साथ एकदम फ्रैंक कर रही थी कि 5 साल बाद है या नवंबर में, ऐसा कुछ, लेकिन जो भी होगी बहुत जल्दी मैं आपको क्लियर बताऊँगी मेरी शादी कब होने वाली है, कितने महीने बाद है, कब है, कब नहीं। ओके जी, तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, चुमी चुमी, राधे राधे।